हैदराबाद के मेहदीपुरनम पर मौजूद अजरा पब्लिक स्कूल में हुआ उस स्कूल के स्टूडेंट्स के पेरेंट्स का प्रोटेस्ट। पेरेंट्स ने किस बात को लेकर प्रोटेस्ट किया, जानिए इस खसूसी रिपोर्ट में। पेरेंट्स के मुताबिक अजरा पब्लिक स्कूल का मैनेजमेंट जिन जिन पेरेंट्स ने फीस नहीं पे की है के बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस से बेदखल कर दे रहे थे। उसके बाद पेरेंट्स ने आकर स्कूल से मुतालिबा किया और वहां पर प्रोटेस्ट किया और स्कूल मैनेजमेंट को कहा कि पैंडमिक के चलते हम लोग फीस नहीं पे कर सकते, 40% फीस रिड्यूस करने की मांग की है पेरेंट्स ने और उनके बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस में लेने का मुतालिबा भी किया है स्कूल मैनेजमेंट से। देखिए हैदराबाद के मेहदीपट्टनम पर मौजूद अजरा पब्लिक स्कूल में पेरेंट्स का ये प्रोटेस्ट। बच्चों को मतलब तालीम के लिए टीचर्स कर रहे जितना भी हो सकता है उतना कर रहे, लेकिन हम लोग को भी थोड़ा पैंडेमिक की वजह से ये फीस वगैरह में थोड़ा कमी के लिए हम लोग एहतजाज करना कर रहे हैं यहाँ पे अजरा पब्लिक स्कूल के सामने। और ऑनलाइन क्लास में अभी जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं तो ये मंडे से ये लोग पीरियोडिक टेस्ट वगैरह कर रहे थे अभी, क्योंकि फीस पे नहीं करे पेरेंट्स, इसके लिए इन लोग को निकाल दिए ग्रुप से। अब आपका डिमांड है, हमारा डिमांड ये है कि 40% कंसेशन देना है फीस में, 40% कम करने का। सैटरडे के दिन बात कर रहे थे, क्या बोले? मेरा मैगजीन है उसके ऊपर। आप लोग कितना बनना चाह रहे हैं? हम लोग 50% पे करना चाह रहे हैं, 40% कंसेशन चाह रहे हैं। और चले गए तो हमारे पेरेंट्स के लॉकडाउन है, ये वायरस की तरफ से किसी का कारोबार नहीं चल रहा, अच्छे लोग अब भी परेशान है। अब उन्हों ऐसी हरकत करेंगे तब हम जिसके पास नहीं है उन्हों कहाँ से बनेंगे, बोलिए आप जिसके पास है उन्हें बनने सकते। हर साल तो बगैर अभी रोज हम फीस के लिए कम करोगे थे, नहीं बोले कितनी फीस, जितनी फीस बोले उतनी फीस बने हम लोग। अब तक बता सके ऐसा रहने से फीस कम करोगे क्या बोले? और अब ऐसे हालात है हिसाब से बोल रहे और ऐसा हमसे ले रहे जो नहीं बन रहे उनको माफ कर दे, माफ कर दे रहे। ऐसा नहीं ना, माफ करो तो सबको माफ करिए आप, सबको एक ही मेहनत करिए आप अपना। बच्चे बच्चों को शर्मिंदा की होती, फी डिफॉल्टर्स में उनका नाम आ जा रहा, बच्चे बार बार बोल फी डिफॉल्टर्स में नाम है हमारा। से टेस्ट ऑन थे बच्चों के जिसकी कुछ बात हमसे 100% फीस ले रहे हैं, आपके पैसे सब कुछ बच रहा है ना आप लोगों का, आप लोगों को पूरे पीछे से बच रहे हैं, आप लोग बिल्डिंग है आप लोगों की। हाँ नहीं मुझे मुसलमान मुसलमानों का अगर साथ नहीं दिया था चार घंटा किसको में रहता था, अब दो घंटे भी सही पढ़े नहीं हो रही। अरे हाँ, और ऑनलाइन में क्या है, ऑनलाइन क्लास दो मिनट देखते देखते यूट्यूब पे चले आते बच्चे, पेरेंट्स कब तक सामने और एक घर में चार चार बच्चे रहते, देखिए इतना डाटा भी तो होना हमारे पास, बच्चों के साथ रहना पड़ रहा क्लासेस उन लोग के जब तक चल रहे हम लोग भी साथ बैठना पड़ रहा पेरेंट्स। और बोलते हैं कि बच्चों को फोन मत दो, मतलब पूरा क्लास पूरा ऑनलाइन पे, बच्चों के आंखों पे चार बच्चों के लिए चार टैब लाना या चार सेल फोन लाना हम लोग कैसे करेंगे बोलिए? इतना डाटा खर्चा हमारा बढ़ रहा, उनका खर्चा हमारा बढ़ रहा, आप लोगों का बढ़ रहा, टीचर आपने घरों में बैठे हुए यूट्यूब पे डाल दे हाँ, पूरा खर्चा पूरा बर्डन पूरा पेरेंट्स पे है। देखिए वो बच्चे होमवर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, प्रिपेयर हो रहा है, पूरा बर्डन पूरा पेरेंट्स पे है। और कुछ पेरेंट्स देखिए जॉब करने वाले रहते कैसा होता बोलिए,
हर लेडीज के भी कुछ मसले रहते हैं भाई, कोई घरों में रहते हैं, तबियत खराब रहती है। अब जेंट्स जो सब बाहर जाके कारोबार संभालेंगे या ऑफिसों को जाएंगे या घर में बच्चों को देख लेते बैठेंगे, हमारी कुछ भी नहीं है। आप लोग 40% फीस में डिस्काउंट दीजिए, हमारा दीजिए, नथिंग एल्स, यही चाहिए। और केसीआर की तरफ से खुद है कि स्पेशल फीस नहीं लेना है, उसके बाद बावजूद भी आप लोग कई पेरेंट्स से आप लोग स्पेशल फीस कलेक्ट करें, आप लोग स्पेशल फीस कैंसिल करिए और मंथली फीस में 40% डिस्काउंट दीजिए। और कुछ नहीं चाह रहे हम लोग, अब तक आप लोग जो भी बोले, हम लोग हमारे 3 बच्चे मेरे नर्सरी से पढ़े देखिए, मेरे 3 बच्चे हैं, मेरे भाई के 3 बच्चे हैं, मेरे बच्ची है, 7 बच्चे यहाँ पे हैं, और मैं खुद फैकल्टी हूँ 10 कॉलेज में। हमारी खुद सैलरी 30% आ रही है, सैलरी हमारी 30% आ रही। अब उस सैलरी में हम यहाँ पे फीसेस क्या बनेंगे बच्चों के, तो थोड़ा ये पैंडमिक के ज़माने में थोड़ा कंसीडर करें तो बेहतर है। नहीं तो पेरेंट्स का ये मुतालबा आ रहा है कि भाई 40% आप माफ़ करें, क्योंकि आपको अब फ़िलहाल कॉलेज स्कूल के एक्सपेंसेस कुछ भी नहीं। और जहाँ तक सारे नौकरियों की बात है, कोई भी 100% सैलरी कोई नहीं दे रहा, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं दे रहे, तो बात सबको मालूम है। आप भी नहीं दे रहे सबको 100% सैलरी, तो आप जब हम आँख बंद करके देते चले गए, मगर अब जो है हालात ऐसे हैं कि भाई कारोबार भी ख़त्म है, सबको मालूम है कारोबार की क्या हालत है और जॉब्स की क्या हालत है, सबको मालूम है। जब हमारी तरफ से एक पहली मरतबे रिक्वेस्ट आ रहा कि भाई हम सब परेशान हैं, पेरेंट्स सारे परेशान हैं, हर लाइन से परेशान हैं, बच्चे जो है घरों में क्या पढ़ रहे हैं, फ़ोन हाथ में थमा दे किए, जो बच्चों की हालत हो गई है, बच्चे रात के 2 बजे उठ के फ़ोन लेने में मजबूर हो गया बच्चा, बच्चों के आंखों की शिकायत अब तक आके स्कूल में नहीं करेंगे भाई ये क्या तमाशा है स्कूल, 3 बच्चे घर में हैं तो एक फ़ोन में कैसे चलेंगे बताइए, है नहीं। ऑनलाइन के हिसाब से खैर चलिए पढ़ाई जैसी तैसी हो रही है, इल्ला माशाल्लाह हो रही, वो तो खानापुरी की पढ़ाई, पढ़ाई के मामले में तो पढ़ाई नहीं वो खानापुरी की पढ़ाई है। मैं भी मानता हूँ, उन्होंने भी मानते, पढ़ाने वाले भी मानते, कोई मानते, सब मानते, उसमें बच्चे को क्या नॉलेज आ रही, क्या डेप्थ है, वो कुछ भी नहीं। मगर ऐसी कंडीशन में जब हम आके जो है आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई आप 40% जो है फीस कम करिए, हम 60% की बात नहीं कर रहे, आप खुद अपने से बोलना था भाई कि हमारे पास अब जो है ये हालात हैं, क्योंकि आप भी हमारी अपनी कौम के हैं भाई, हम मुसलमान हैं, मुसलमानों की हालत हमको मालूम है, कि भाई आप खुद जो है 40% कम करते तो बहुत अच्छी बात थी, हमको आके बहस करना, लड़ना, और ये कितनी बड़ी बात है। देखिए हम पेरेंट्स हैं और अच्छे खानदानों से, हम स्कूल में कोई आग लगाने नहीं है, कोई हंगामा मचाने नहीं है, उन्हों आके बिठा के आप बैठिए, क्या मसले हैं बोलिए, बातचीत के जरिए से हम हल करेंगे। इस तरीके से धूप में बिठा दे के, खड़ा कर दे के और गेट बंद करके, जैसे लाइक यू आर ट्रीटिंग विद क्रिमिनल्स, तो इतनी बुरी बात। और जो है हमारी अपनी बच्चे, हमारे अपने बच्चे कितना घरों में सफ़र हो रहे वो हमको मालूम, हमारे घर की खवातीन कितना सफ़र हो रही उन खवातीन को मालूम, शायद 2-2 दिन में बिगड़ रही औरतों की, ये बच्चों के पीछे। तब ये क्या, ये इतने परेशानी है कि स्कूल वालों को नहीं मालूम क्या इनके घर में औरतें नहीं है, क्या इनके बच्चे पढ़ रहे नहीं, और गवर्नमेंट की तरफ से क्या इंस्ट्रक्शन है। एक अगर गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन मान लें आप, तो क्या गवर्नमेंट जो है आपको ये बोल रही कि भाई आप स्पेशल फीस लो, और आपकी माशाल्लाह से फीस भी इतनी ज़्यादा है कि कोई कम नहीं है, हम 54 रुपये 55 रुपये में पढ़े से लोग हैं, हम लोग हर साल फीस बढ़ती और हम हर साल फीस बढ़ती हुई फीस को देते गए हर साल, मगर कभी हम नहीं बोले कि भाई चलो ठीक है एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, जब गिरानी बढ़ रही तो हर चीज़ बढ़ती, हम देते चले गए। आज हालात मजबूरी के दायरे में हम आके बोल रहे हैं कि भाई आप कम करिए फीस, मगर इसमें जो है आपको ऐसा बाहर नहीं, बच्चों को अब देखिए छोटी मेरी बच्ची है, जब आप फीस देंगे तो पढ़ाएंगे, नहीं देंगे तो नहीं पढ़ाएंगे। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे
1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारी ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड ऑपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9996930824 या 9391326261।